यूपी के बहराइच में कहर, हिंसा में डूबा शहर। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा लगातार जारी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा इतनी बढ़ गई कि लखनऊ से बड़े अधिकारियों को तुरंत बहराइच भेजने की जरूरत पड़ गई। शहर में चारों ओर पुलिस तैनात है, लेकिन बावजूद इसके उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात तक धार्मिक स्थल को तोड़ दिया और आग लगाने की भी कोशिश की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के इस पवित्र अवसर पर ऐसा क्या हुआ जिससे हिंसा इतनी बढ़ गई। दरअसल बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश के बहराइच से होकर निकल रही थी। इस दौरान यात्रा में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे भीड़ में हंगामा हो गया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। इसके तुरंत बाद राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स के घर की छत पर लग रहे झंडे को उतार दिया। ऐसे में दो समुदायों के बीच जोरदार टकराव हुआ और झंडा उतारने वाले व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद से ही इलाके में हिंसा लगातार जारी है। पत्थरबाजी और फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को जान गंवानी पड़ गई और साथ ही घटना के दौरान दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं इलाके में खबर फैलते ही बवाल शुरू हो गया। हजारों लोग लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। करीब 800 मीटर के क्षेत्र में जगह जगह वाहनों में आग लगाई गई। दो शोरूम और एक अस्पताल भी इसी दायरे में है। कई गाड़ियां भी तोड़ी गई। सारे सबूत हिंसा और बवाल की गवाही दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला और लाठी फटकार कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद बहराइच में हुई हिंसा से हालात तनावपूर्ण है। सुरक्षा के चाक चौगंद इंतजामों के बीच हंगामा हो रहा है। पत्थरबाजी और गोलीकांड की आग धीरे धीरे पूरे जिले में फैल रही है। शहर की मुख्य बाजार घंटाघर से पीपल तराहे तक की दुकानें बंद हैं। दहशत के बीच लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि इस दौरान जगह जगह प्रदर्शन होता रहा। वहीं इस घटना से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। बहराइच की इस हिंसा ने राम गोपाल के परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि हर साल दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है, ये पहली बार नहीं था। ऐसे में पुलिस प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को नाकाम ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में भी लापरवाही की। ऐसे में अब जनता पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और लापरवाही पर सवाल उठा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के पवित्र अवसर को गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि जब बवाल शुरू हुआ तो पुलिस बल नाकाम साबित हुआ। विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी अगर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराने में दिलचस्पी लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन पुलिस के जिम्मेदारों ने दोनों पक्षों को समझाने के बजाय एक पक्ष पर लाठीचार्ज कर दी। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को भी दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में अफसर नाकाम साबित हुए।